भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सारे ऐसे सूत्र दिए हैं जो हमारी और आपके सबकी जिंदगी बदल सकते हैं। बस जरूरत है उन उपदेशों को समझकर अपनी जिंदगी में उतारने की। ये उपदेश तब जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही जरूरी और उतने ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज के इस एपिसोड में गीता ने कर्म के संबंध में हम मनुष्यों को क्या बताया है उसको जानने का प्रयास करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से ये वीडियो आप में से कुछ लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ इतना है कि तुम अपना कर्म करो, उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे कर्म का क्या फल देना है ये मेरी इच्छा पे निर्भर है, तुम्हें फल देना मेरा अधिकार है। इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा काम है सिर्फ अपना कर्म करना। इस बात को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी व्यक्ति आते हैं और राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप देते हैं। राजा वो पत्थर देख के बड़ा खुश हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करके आप राजमहल पहुंचा देना और इसके बदले में आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य आरंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जिसका तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर वार किए लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया लेकिन ये सोचकर कि हथौड़े पर प्रहार करने से पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती है। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक बिल्कुल साधारण मूर्तिकार को दे दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने के काम में जुट गया और उधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार मिलता। तो सोचिए इसी तरह भी हम अपने कर्म से कितनी बार भागने का प्रयास करते हैं। जीवन में ऐसी परिस्थितियों से हम हमेशा दो चार होते हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व, किसी समस्या के आने पर उसके निराकरण करने से पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार असफलता मिलने पर या कुछ ज्यादा प्रयास करने के बाद हम अपने प्रयास को ही छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर वो कार्य पूरा हो जाए या समस्या का समाधान हो जाए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा इसलिए इस बात को कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है। तो जिस प्रयास को करने से पूर्व आप अपना हाथ खींच लेते हैं
क्या पता वही अंतिम प्रयास हो और वहीं से हमको अपनी कामयाबी मिल जाए। इसलिए अपना कर्म निरंतर करते रहिए, क्योंकि फल तो हमेशा ईश्वर के हाथ है। ये हमें खुद नहीं पता कि वो कर्म का फल 50 प्रयास के बाद मिलेगा या 100 प्रयास के बाद, लेकिन कर्म करने का अधिकार हमारे पास जरूर है। भगवान श्री कृष्ण अपने दूसरे उपदेश में कहते हैं कि इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है जो बिना कर्म के रह रहा हो। प्रकृति तीनों गुणों के आधार पर प्राणी को अपना कर्म करने के लिए विवश करती है, और वो तीन गुण हैं: मन से कर्म करो, शरीर से कर्म करो या वाणी से कर्म करो। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हम कितनी बार नींद में होते हैं तब हम कौन सा कर्म करते हैं। व्यक्ति एक पल के लिए भी पूर्ण निष्क्रिय नहीं होता। जब वो सो रहा होता है तो उसका मन सपने देखने की क्रिया करता है, और जब वो बहुत गहरी नींद में भी होता है तो उसका दिल और बाकी अंग पूर्णतः कर्म विहीन नहीं होते हैं। इसलिए हर मनुष्य बुद्धि से, मन से और शरीर से काम करने के लिए मजबूर होता ही है, और यही प्रकृति का एक विशेष नियम है। इसलिए हो सके तो अपने कर्म को बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करिए, और यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो प्रकृति आपको ऐसी मार मारेगी जिसका हर्जाना आपको या तो पेड़ बनकर चुकाना होगा या नीची अवस्थाओं में जाकर देना पड़ेगा। एक कहानी से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एक बार एक लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लार्क चिड़िया ने उसे रोक कर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि संदूक में कीड़े हैं, वो बाजार से उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी और इसके बदले में तुम मुझे कीड़े दे देना, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क चिड़िया को कीड़े दिए और लार्क ने उसके बदले में उसे अपना एक पंख तोड़ कर दे दिया, और उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई भी पंख नहीं बचा, और वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक भी नहीं रह गई, और अब वो भद्दी दिखने लगी। उसने गाना गाना छोड़ दिया और वो जल्दी ही मर गई। तो दोस्तों, यही हमारी जिंदगी का भी सच है। हमें निरंतर वो कर्म करना है जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो, जो ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें बनाया है, जिस चीज के लिए हमें उस काम को बहुत शिद्दत के साथ, बहुत खुशी के साथ करते रहना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन से अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में कामयाब होता है और जो बिना किसी आसक्ति के सभी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, वो ही वास्तव में श्रेष्ठ है। वही श्रेष्ठ है जो अपने सभी कर्म बिना फल की इच्छा के ही करता है। निश्चित रूप से हम सभी ये चाहते हैं कि हमें हमारे कर्मों के परिणाम जल्द से जल्द मिले, अच्छे से अच्छे कर्म का काम जल्दी से जल्दी उसके फल के रूप में मिल जाए। लेकिन याद रखें कि प्रकृति अपने तरीके से काम करती है। आपके किस कर्म का फल आपको कब मिलेगा ये आप भी नहीं जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आसक्ति और मोह के बिना जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को और कर्म को करता है, वही इस संसार में मोह माया के जाल से बाहर निकल पाता है, वरना बाकी लोग यही इस संसार में फिर से भटकते हैं और बार बार नई नई यात्राओं को करते हैं और पीड़ित होते रहते हैं। चलिए एक खूबसूरत कहानी से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। संसार एक ऐसा माया जाल है जिसमें जीव हमेशा के लिए फंसा रहता है। माया जाल ऐसे फंसा कर रखता है कि जीव निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस माया जाल से निकलना है
तो आसक्ति छोड़ो। संसार की चकाचौंध में जीव आंखें मूंद कर हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ संसार के विषय और वासनाओं के ही बारे में सोचता है और इस सोच की वजह से ही उसका जीवन व्यर्थ गवा देता है और जिसका दुष्परिणाम मरने के बाद जीव को भोगना पड़ता है। और जीव की आंखें तब खुलती हैं जब मृत्यु जीव के सामने आ खड़ी होती है। माया जाल मतलब सांसारिक संबंधी सांसारिक विषय भोग और इनमें ही वो अपना जीवन व्यर्थ गवा देता है। कोई बच्चों की मोह ममता की वजह से तो कोई सांसारिक जिम्मेदारियों की वजह से अपना अमूल्य जीवन बर्बाद कर लेता है। कोई विषय पदार्थों को इकट्ठा करने के चक्कर में अपना पूरा जीवन खत्म कर लेता है। भगवान ने केवल एक जीवन हमने दिया और उसको देने में भी हम वो काम नहीं करते जो ईश्वर हमसे कराना चाहता है। फिर हम सोचते हैं कि संसार में भगवान ने हमें खुद ही फंसा रखा है। भगवान भी चाहिए लेकिन हम नरक से भी बचना चाहते हैं, लेकिन हम संसार को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम एक हाथ से संसार को पकड़कर रखना चाहते हैं और दूसरे हाथ से भगवान को पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से हम दोनों में से किसी भी चीज को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते और धीरे धीरे हमारा जीवन खत्म हो जाता है और हमें होश भी नहीं आता है। इसी तरह से हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। एक कहानी है कि नदी में हाथी की लाश बही जा रही थी। एक कौवे ने लाश देखी तो खुश हो उठा, तुरंत उस पर जा बैठा, जितना चाहा मांस खाया, नदी का जल पिया और उस लाश पर इधर उधर फुदकते हुए कौवे ने परम तृप्ति की डकार ली। ये सोचने लगा, आह ये तो बड़ा सुंदर यान है, यहाँ भोजन और जल की भी कमी नहीं है, फिर इसे छोड़कर कहीं और क्यों भटकूं? कौवा नदी के साथ बहने वाली उस लाश के ऊपर कई दिनों तक रहा। भूख लगने पर लाश को नोच कर खा लेता, प्यास लगने पर नदी का पानी पी लेता। अगाध जल राशि, उसका तेज प्रवाह, किनारे पर दूर दूर तक फैले प्रकृति के मनोहारे दृश्य, इन्हें देख देख कर वो बड़ा खुश होता रहा। लेकिन नदी को एक दिन तो महासागर में मिलना था। वो खुश थी कि उसे अपना गंतव्य प्राप्त हो रहा है, सागर से मिलना ही उसका चरम लक्ष्य था। किंतु उस दिन लक्ष्यहीन कौवे की बड़ी दुर्गति हुई, क्योंकि चार दिन की मौज मस्ती ने उसे ऐसी जगह पर ला पटका जहां उसके लिए न भोजन था, न पानी था और न कोई आश्रय स्थल। सब ओर सीमाहीन अनंत खारा जल चारों ओर दिखाई दे रहा था। कौवा थका हारा, भूखा प्यासा कुछ दिन तक चारों दिशाओं में पंख फड़फड़ाता रहा और अपनी झूठी उड़ानों से रौब जमाता रहा, लेकिन महासागर का कोई ओर छोर उसे कहीं नजर नहीं आया और आखिरकार थक हार कर दुख से दुखी होकर वह सागर के उन्हीं गगनचुंबी लहरों में गिर गया और एक विशाल मगरमच्छ उसे निगल गया। तो दोस्तों याद रखिए, ये आसक्ति ये मोह यदि आप निरंतर करते रहते हैं और अपने कर्तव्यों को नहीं करते जिसके लिए आपका इस धरती पे जन्म हुआ है, तो आपकी गति भी उस कौवे की तरह होगी जो आहार और आश्रय को ही अपनी परम गति मानता है और अंत में अनंत संसार रूपी सागर में समा जाता है। आगे हम ऐसे ही अन्य वीडियो भगवान श्री कृष्ण के गीता सार से जुड़े हुए आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आप भी जीवन का कर्म का उद्देश्य समझें, कौन सा कर्म आपकी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकता है उसको समझने का प्रयास करें और हमसे जुड़े रहें।